रहीम आज मैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं आज बात करना चाहता हूँ ये द फेमस दी सन शेड्स जो हम लगाते हैं कराची के बारे में भी और बाहर भी हमें गर, कराची गर्म शहर है तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं लेकिन देखिए प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल ये है कि एक भी जब गाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा होता है तो उसको 360 डिग्रीज़ के बारे में हर लहमे पता होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वेन यू आर ड्राइविंग ज़ाहिर सी बात है सामने का जो वन हंड्रेन एट्टी है तो वो तो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और जो जो पीछे वाली साइड है वो आपके पास दो साइड मिरर्स होते हैं एक रियर व्यू मिरर होता है तो वो आप उससे देख रहे होते हैं और स्टिल उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं जो कि अभी मैं ब्लाइंड स्पॉट्स पे बात नहीं कर रहा वो भी आप अप अपनी कोई गर्दन आगे पीछे करके कर रहे होते हैं अब मसला ये जब आप ये शेड लगा लेते हैं ना शेड लगा लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये इससे विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है आप माने नहीं माने लोगों को जब मैं कहता हूं ऑफेंड हो जाते हैं उतारो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं तो इसमें पहली बात तो यह है कि अगर राइट जो फ्रंट ड्राइवर फ्रंट साइड्स है वहां तो बिल्कुल ही नजर लगाना नहीं चाहिए उससे तो और रियर भी और साइड रियर भी एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं उस पर कुछ इग्नोर कर सकता हूँ बट अगर आप फ्रंट पे लगा लेंगे तो आप अपनी जो 360 डिग्री की जो विजिबिलिटी है ना उसको आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे गाड़ी चल रही होती है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज कर रही होती है चलते हुए ड्राइवर को वैसे ही बा दफा छोटी चीजें मूविंग चीजें लाइक मोटरसाइकिल्स और बा दफा छोटी पेडिस्टियन नजर नहीं आते क्योंकि वो बहुत सारी चीजें देख रहा होता है एक बात याद रखें स्मॉलर थिंग्स वैसे ही ड्राइवर को नजर नहीं आ रही होती ठीक है दो दूसरी बात यह कि एक चीज होती है जब आप नॉर्मल अगर इस, इस जो शेड है ना इससे अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट देखेंगे तो शायद फिर भी नजर आ जाएगा ठीक है यानी जो जो, जो नजर नहीं, वो शायद ज्यादा नजर आता और एक और बिल्कुल कपड़े की तरह के होते हैं जिसमें वो तो और खतरनाक है तो मैं बताने चाह रहा था कि एक चीज होती है शोल्डर देखना शोल्डर देखना होता कि आप जब लेन वेन चेंज कर रहे हो तो अपने रियर क्वार्टर रियर क्वार्टर जो है जो पीछे रियर सीट का जो क्वार्टर ग्लास है उसमें देखना होता है जो लोग बाहर लाइसेंस ले चुके हैं उनका पता होगा और जो इधर भी रियर क्वार्टर ग्लास देखना जब आप इसमें से अंग... अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं ना इसके अंदर दैट इज ओके लेकिन जब आप एंगल पे देखेंगे ना शेड तो शेड के अंदर से जब आप डायगेल देखेंगे जनाब तो और विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है ये कहां करना होता है कोई यू टर्न पे आप खड़े हैं और आपने देखना है कि गाड़ी आगे से तो नहीं आ रही है कोई और आप ऐसे में खड़े कि जब आपको एंगल पे देखना है तो एंगुलर यानी जब आप इसको क्रॉस देख रहे होंगे यानी ये सीधा है एंड आपका लाइन ऑफ साइट क्रॉस है डायगनल है टू दिस शेड नजर नहीं आता नजर नहीं आता कुछ भी आप इसके सपोर्ट में कह लें इसकी जस्टिफिकेशन में कह लें कुछ लोग आधे लगाते हैं मिरर के पार्ट को छोड़ देते हैं तो ये अनसेफ है अनसेफ है ये तो माई रिकमेंडेशन इसके फ्रंट साइड पे जहाँ ड्राइवर है फ्रंट से ये दोनों साइड पे तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए प्रेफरेबली रियर पे रियर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है रियर व्यूअर रियर रियर व्यू मिररर में नज़र नहीं आता और पीछे के शेड्स में भी जहाँ तक हो सके इनको अवॉइड करें मैं इसकी लीगल साइड्स की बात नहीं कर रहा मैं आपकी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ दिस इज जस्ट अ थाट कि खास और पे एंगल पे जब आप देख रहे होंगे और गाड़ी में एंगल पे देखना होता है लाइन ऑफ साइट इनका डायगनल होगी उस शेड से तो विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी थैंक यू वेरी मच